हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का डिस्कशन है, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है रामसर सम्मेलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर जल और थल दोनों जगहों पर पाई जाती है। आर्द्र भूमियां भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहगार है। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा करके जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम्न भूमियां पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती है और सीधे नदी में जाने से रोकती है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जो है संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही जो है बैठक हुई। इसके बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी और 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2388 है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल जो है आप देख सकते हैं कि कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 स्थल रामसर सूची में शामिल है। इसके बाद मेक्सिको के 142 स्थल जो है शामिल है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, रामसर सचिवालय का जो मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी, धारणीय शहरीय भविष्य के लिए आर्द्र भूमियां, याद रखिएगा जो इसका थीम था, वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। जबकि 2019 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, जबकि 2020 में इसकी थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है। रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची है और इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 37 स्थल शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, इन 37 स्थलों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है, ये अब मतलब कि ध्यान रखिएगा, सूची में शामिल होने की तिथि या क्षेत्रफल जो है उतना ध्यान रखना मायने नहीं है। बस याद रखिएगा कौन सा स्थल किस राज्य में है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं जो अष्टमुदी आर्द्र भूमि है केरल में है, भीतरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, दीपोर बिल असम में है, पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है, हरिके झील पंजाब में है, होकेरा आर्द्र भूमि जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, कांजली पंजाब में है, केवला देव राष्ट्रीय जो आर्द्र भूमि है राजस्थान में है, ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नल सरोवर जो है गुजरात में है, पॉइंट कैलिमियर जो है ये कहां पे है, या वो पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, पोंग बांध झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका आर्द्र भूमि भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, रेणुका आर्द्र भूमि, और रोपड़ जो है पंजाब में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, सांबर झील राजस्थान में है, सस्थाम कोटा झील जो है केरल में है, सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में, सुरिंसर मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में, सोमोरीरी जम्मू कश्मीर में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, वेबनाद कोल आर्द्र भूमि केरल में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और केशोपुर मियानी कहां पर है, पंजाब में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है पंजाब में ही है, नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में ही है, नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है, और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, सरसई नावर झील जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, और समान पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो कौन सा स्थल किस राज्य में है ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र जो है तटीय आर्द्र भूमि का, इसके अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र जो है सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते थे। लोकेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर सम्मेलन संरक्षण है वो किससे संबंधित था? रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? तो सही जवाब होगा नम भूमि या आर्द्र भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहां बैठक के बाद जो है इस कन्वेंशन की नींव पड़ी और 1975 में पूर्णतः यह क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम है आर्द्र भूमि और जैव विविधता है, यानी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? सही जवाब है गुजरात, ए ऑप्शन। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील, लोकटक झील, केवला देव और वुलर झील, इन चारों को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी सभी। रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 37 स्थल शामिल हैं। ठीक है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील मणिपुर को रामसर का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है रामसर स्थल है? सही जवाब है, बताइए, सुंदरबन और आपका भोज आर्द्र स्थल, सी और डी आपका दोनों सही जवाब है। 30 जनवरी 2019 को सुंदरबन के आर्द्र भूमि को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया, अतः सुंदरबन और भोज दोनों आर्द्र स्थल रामसर स्थल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है जो या हो रहा है या जो होना संभावित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, यानी जो अभिप्राय है ए ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने बात भी किया था इसके बारे में कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड जो है उन अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो याद रखिएगा, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधे के द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों को जो है गादीकरण कम करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं और बाढ़ के दौरान नम भूमियां जो है पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों के तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। सही जवाब है पहला कथन। पहला कथन सत्य है। 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र और तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते थे। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें तीन कथन दिया गया है। पहला कथन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा कथन है, आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन के संतुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कथन है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए, इसमें जो है तीसरा कथन केवल सही है। कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर से जो है इसको रिविजन कर लेते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर अभिसमय फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था, तथा यहां जो है यह अभिसमय जो है दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ, और इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्र भूमि स्थल यानी रामसर साइट को संरक्षित रखना सदस्य देश का उत्तरदायित्व है। सदस्य देश के सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संवर्धन और जहां तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात की गई है, इसलिए पहला असत्य है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम कदम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश के चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के अपकर्ष की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसे आर्द्र भूमियों की एक राष्ट्रीय सूची जो है तैयार करने की बात की गई, और इस नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसने आर्द्र भूमियों के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की, और इसी विशेषज्ञ समूह के संतुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जारी किए गए। इसीलिए दूसरा कथन भी गलत है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्र भूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों जैसे अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया, ठीक है, इसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र जैसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाए को भी शामिल किया गया, इसलिए तीसरा कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न अधिनियम एवं करार, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते रहे हैं। उनमें से प्रमुख है जो इस प्रकार है, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी, और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि जैव विविधता पर अभिसमय के साथ जो है समन्वय में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो खाद और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण विनियम तथा सतत प्रयोग के द्वारा खाद्य सुरक्षा के गारंटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता से संबंध रखता है। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है, और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक जो है वैश्विक भागीदारी है, जो पक्षियों उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, जिसके विश्व भर में 121 भागीदार हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है, और अब तक ऐसे 12,000 से भी अधिक जो है क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है।
जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा नॉर्मन मायर्स। जैव सुरक्षा का कार्टोजेना उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक जो है मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर जो है 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसे आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वाणिज्य एवं प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा का जो है ई कॉमर्स फौना फ्लोरा इन ई कॉमर्स यानी ट्राफ FIC जो है TRAFIC एक गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में वन पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह जो है सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक जो है इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। WWF और IUCN का जो है यह एक रणनीतिक गठबंधन है। UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो जो है यह नहीं है, यह जो है UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो क्या है नहीं है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र ठीक है सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ जो है CEBPOL की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की गई, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। ध्यान रखिएगा इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया कब, दिसंबर 2002 में। 11 दिसंबर 2002 को जो है भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपको मालूम है वर्ष 2002 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया चेन्नई में 2003 में, 2003 चेन्नई, याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। कुछ कथन है, इसको देखकर एनालिसिस करके बताइए कौन सा जो है इसका सही जवाब होगा। तो पहला है, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। एनबीए जो है कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता जो है मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। इनमें जो सही कथन है पहला और तीसरा कथन जो है सही है, दूसरा कथन गलत है। कैसे, देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिकी संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है, दूसरा एनबीए से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड जो है
बायोडायवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला और तीसरा। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की जो है एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों, वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। सिक्स नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है जैव सुरक्षा का कार्टोजोना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक जो है 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। दूसरा कथन है भारत जैव सुरक्षा उपसंधि पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। तीसरा है जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षित या जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जो है एक कथन जो सही है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टोजोना उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, इसलिए पहला जो कथन है गलत है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर जो है 23 जनवरी 2001 को किया था, इसलिए बी कथन भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, इसलिए कथन सी भी, कथन सी जो है सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स जो है ट्रैफिक जिसे कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ट्रैफिक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, यह सही है नहीं? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान से जो है थ्योरी को रिकवर किया है तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। ट्रैफिक जो है इसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, इसमें सही जवाब है बताइए बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही है। वाणिज्य एवं प्राणिजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स एक गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में वन पादपों और जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक कमीशन जो है यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। WWF और IUCN का रणनीतिक गठबंधन है या UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। लास्ट में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसा किया जाना चाहिए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, वैसे इसका डी ऑप्शन सही है। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। देखिए भारत जो है रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है, उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार करिए। तीन जो है यहाँ पे कथन है, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय, बताइए इनमें से कौन से जैव विविधता के संबंध रखते हैं या जैव विविधता से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ये तीनों जो है जैव विविधता से संबंधित हैं। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में जो है अंतरराष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर यानी जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, सही जवाब है चेन्नई में। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ यानी CEB
PPOL की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए और आप अपना जो है प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए, जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में भी इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। तो आप हमें जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।